उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के थाना नवाबगंज क्षेत्र के नवाबगंज बाजार में ग्रामीणों और पुलिस के बीच काफ़ी हिंसक झड़प हुई। दरअसल पूरा मामला गोंडा जिले से जुड़ा हुआ है। आपको बताते चलें कि गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत माझा गांव के रहने वाले यहां पर एक बिजली कर्मी की पुलिस के हिरासत में मौत हो गई थी, जिससे नाराज ग्रामीणों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस की गाड़ियों को तोड़ दिया है। आपको बताते चलें कि यहाँ पर ग्रामीण काफ़ी उग्र हो गए और पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प होती रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया है और यहां पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। ग्रामीणों के जुबान पर बस एक ही बात थी कि सभी की गाड़ियों को तोड़ दिया जाए, और पुलिस भी यहां पर अपनी अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए हैं। तरबगंज क्षेत्राधिकारी फनफार सिंह राठी मौके पर पहुँचे थे, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण इतना उग्र हो गए कि उन्हें खदेड़ लिया और फनफार सिंह राठी भाग गए। आपको बता दें कि पूरा मामला गोंडा जिले के थाना नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत नवाबगंज बाजार में से जुड़ा हुआ है। आज नवाबगंज बाजार में यहाँ पर मृतक के शव को रखकर अयोध्या गोंडा हाईवे को जाम कर दिया गया और भारी संख्या में यहां पर महिलाएं मौजूद रहीं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिलाएं यहां पर चीख बिलख रही हैं और यहां घंटों तक जाम लगा रहा और घंटों तक बवाल मचा रहा। आपको बता दें कि यहां पर थाना नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके संबंध में यहाँ लाइनमैन को पूछताछ के लिए थाना नवाबगंज पर बुलाया गया था और हिरासत में लाइनमैन की भी मौत हो गई, जिससे आनन फानन में वहां पर नवाबगंज थाना क्षेत्र के पुलिस ने जिला अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां की डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और इसके बाद में पूरा बवाल मच गया। आपको बता दें कि इस संबंध में यहां पर मौके पर पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर और डीएम डॉक्टर उज्ज्वल कुमार भी पहुंचे हैं और लोगों को शांति व्यवस्था का पाठ पढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां भीड़ बहुत ही ज़्यादा उग्र हो गई थी, जिससे ग्रामीण में काफ़ी आक्रोश था और यहां पर जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हुई और यहां पर पुलिस बल बाद में आई और किसी तरह व्यवस्था को शांत कराया। और यहां पर परिवार वालों का आरोप है कि उनके बेटे को पुलिस हिरासत में मार दिया गया है और हमारे बेटे को न्याय दिया जाए, अगर हमारे बेटे को न्याय नहीं मिला तो हम लोग और यहां पर विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और सड़क जाम करते रहेंगे। आपको बता दें कि मौके पर सपा नेता सूरज सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं और लोगों को शांत करा रहे हैं कि सभी लोग यहां पर हिंसक प्रदर्शन ना करें, अपनी मांगों को ही केवल मांगें। आपको बता दें कि परिवार वाले सरकार से 50 लाख की मुआवजे की मांग कर रहे हैं और अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए मांग कर रहे हैं कि जो भी पुलिसकर्मी इस सब में संलिप्त हैं उन्हें गिरफ्तार करके फांसी दिया जाए। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर ने जानकारी दी। लोगों ने कुछ प्रदर्शन किया सर, इनकी क्या मांग थी, क्या मामला था? देखिए, आज यहाँ पर कल थाना नवाबगंज में एक व्यक्ति की थाने पर डेथ हुई थी, जिसको लेकर 302 का मुकदमा जो पिता है मृतक के उनकी तहरीर पर लिखा गया था। उसमें जो हमारा प्रथम दृष्टया हम लोगों ने चेक किया और जो पंचायतनामा हुआ उसमें कोई चोट नहीं थी बॉडी के, पोस्टमार्टम भी करवाया गया है पैनल, डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी करवाई गई है सब चीज़ों की, और जो भी दोषी इसमें पाए जाएंगे लापरवाही के या और किसान धारा उनकी शीघ्र गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी, और जो लोगों को हम लोगों ने ये जो हमारी कार्रवाई हुई है अब तक की उसके बारे में बता दिया और आश्वस्त होकर बाकी बॉडी का क्रियाक्रम कर रहे हैं। क्या नुकसान हुआ है सर, कई गाड़ियाँ तोड़ी हुई हैं? देखिए, इसमें हम लोग चेक कर लेंगे और बाकी संपूर्ण जो इसमें प्रकरण है पुलिस का जो उसमें जुडिशियल इंक्वायरी के लिए भी हम लोग लिख रहे हैं। इसके अलावा जितने भी NHRC की गाइडलाइंस हैं उनका भी पालन होगा, कोई भी दोषी व्यक्ति इसमें छूट नहीं पाएगा। सर, क्या पुलिस वाले भी इसमें कुछ इंजर्ड हुए हैं? मामला ये है कि हमारे गाँव में एक हत्या हुई थी, एक डॉक्टर बाहर से आया था, यहाँ रह रहा था, उसकी हत्या हो गई थी करीब 8 तारीख या 9 में। उसी सिलसिले में मेरे भाई को 11 तारीख को इन लोगों ने बुलाया, पकड़ के लाए यहाँ, पूछताछ किए और छोड़ दिए, कहे जब तुमको बुलाएंगे आना पड़ेगा। मेरे भाई को फिर कल 3 बजे 11 तारीख को 3 बजे कल 14 तारीख को
तीन बजे फिर फोन करके बुलाए, साथ में हमारे चाचा जी, हमारे वो जो उनके पिताजी हमारे प्रधान जी हैं, वो आए, उनको थाने में बैठा दिया गया और लड़के को पीछे ले जा करके उसके नाक में पानी भर के मार दिया गया। और इन लोगों को सूचित नहीं किया गया, पीछे के दरवाजे से निकाल के बोले कि लड़के की तबीयत खराब हो गई है, इलाज के लिए ले जा रहे हैं। इन लोगों को जब ये शंका हुई कि मेरे लड़के को मार डाला, इन लोगों ने भगे वहाँ जिला अस्पताल गए, तब तक ये लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे। आज क्या कर रहे हैं ये सर? अब हमारे वो भाई की बॉडी यहाँ पर रखी है, हमें न्याय चाहिए। थाना अध्यक्ष जो सिपाही उसमें लिप्त है हत्या में, उनकी गिरफ्तारी हमको तुरंत चाहिए। सड़क जाम किया जी, मांग क्या है आपकी? जी हमको यही मांग है, हमारे भाई को न्याय मिलनी चाहिए, जो हत्यारे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, फांसी दी जानी चाहिए, उनको फांसी दी जानी चाहिए। हमारे भाई को फोन करके बुला लिए, घंटे में मार दे, थाना अध्यक्ष को ये नहीं ढूंढ पा रहे हैं, डीएम साहब थाना अध्यक्ष को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जबकि हमारे भाई के नाम FIR भी दर्ज नहीं था उस हत्या में। केवल हमारा भाई संविदा पे काम करता था, बिजली विभाग में लाइनमैन था, और उसका नंबर सभी के पास था, जिसकी लाइन कटती थी वो फोन करके बुलाता था, इसी आधार पर उसको बुलाकर मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई थाने पे। इस सड़क पे लाश रख के आप लोग जाम किया, कब तक जाम रखे? जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक गिरफ्तार नहीं हो गए तब तक हम बॉडी नहीं हटाएंगे यहाँ से। हमें न्याय चाहिए, तुरंत न्याय चाहिए हमको, उन हत्यारों को फांसी देनी चाहिए। जी सर जी, वो तो कुछ भी लिखा सकते थे, अगर हमारे चाचा वहाँ पे ना होते तो ये भी कह देते कि उसको हमने बुलाया ही नहीं, वो यहाँ आया ही नहीं, उसको गायब कर दिया जाता, उसकी बाजी में मुझे ना मिलती। मारने में 10 मिनट लगेगा और फिर हाजिर करने में 24 घंटा लगेगा। पीछे से गाड़ी लेके भाग लिए, बताइए ना यही कौन तरीका? गिरफ्तारी हो, उनकी गिरफ्तारी हो, उनको फांसी देनी चाहिए, जो जो हत्या में लिप्त है।